जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं उसके लिए आपका सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो कौन से चार लोग हैं जो हमें तकलीफ़ों में, जो हमें परेशानी में आने वाले समय में डाल सकते हैं, या हम उन लोगों के साथ अभी जीवन जी रहे हैं वो लोग हमें परेशानी में डाल सकते हैं। ये लोगों को कैसे हम पहचाने, इनके क्या क्या प्रभाव है, ये लोगों को हम किस तरह से आसानी से पहचान पाए ताकि हम इन लोगों से दूरी बना के रखें और ये जो लोग हैं हमें हमारे जीवन में कोई परेशानी में हमें न डाले। क्योंकि अधिकतर परेशानी में एक बात देखिए कि लोग, व्यक्ति अपनी निजी परेशानी एक अलग सब्जेक्ट, लेकिन दूसरों के दुख में ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो ये पूरा एक टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये आपके लिए निजी तौर पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो निवेदन एक ही है कि आप इस टॉपिक को पूरा समझें, चीज़ों को बारीकी से समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी आने वाले समय में क्लियर हो जाएगी। तो आज हम इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा सकारात्मक जानकारियों के साथ सकारात्मक वीडियो मिलता रहे। दोस्तों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा सच्चा हितैषी है, कोई भी व्यक्ति जो है सच्चा हितैषी है, पर रियलिटी में होता ऐसा है कि वो व्यक्ति हमारा सच्चा हितैषी नहीं है, वो हितैषी होने की बनावटी नाटक करता है। और ऐसे लोग एक नहीं, बहुत सारे होते हैं। हाँ, मैं एक निवेदन आपको इस वीडियो में करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखें ओम नमः शिवाय और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे पहले वो लोग, जो लोग अगर वाकई में आपके सच्चे हितैषी हैं तो आपकी कड़वी बात आपके मुंह पर कह देंगे। ऐसा नहीं कोई लाव लपेट या कोई किसी भी प्रकार से चीज़ों को बनावटी तौर पर आपको बताएंगे कि आप जो आपका सच है, जो गलत भी है, जो आप गलत करें आपके मुंह पर बोल देंगे कि भैया ये गलत आप कर रहे हो, ये गलत है, ये गलत है। वही लोग आपके सच्चे हितैषी और सच्चे सपोर्टर हैं। वो लोग जो आपको चिपड़ी चिपड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं और आपको उलझाते हैं, वो लोग आपको आने वाले समय में तकलीफ़ों में डाल सकते हैं। तो पहले व्यक्ति की आप पहचान कर चुके होंगे। दूसरे व्यक्ति वो जो आपको व्यसन और नशे की ओर धकेलता है। ये पूरी दुनिया को पता है, युगों युगों से ये बात कि नशा जीवन का नाश है। जब ये चीज़ सबको पता होने के बाद आपका एक जो खास दोस्त है या जो भी लोग हैं आपको वापस नशे में देखिए, बहुत से लोग तो स्वयं ही नशे की ओर चले जाते हैं, वो भी गलत है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादातर जो नशे नहीं करते पर उनके साथ के लोग नशा करते हैं तो साथ में उन्हें भी नशा करना सिखा देते हैं। तो वो नशे करने वाले लोग कभी भी आपका भला नहीं चाहेंगे, कभी आपका हित नहीं चाहेंगे। ऐसे लोगों से भी आप हमेशा दूरी बनाकर रखना है। तीसरे, वो लोग जो जुआ या इस तरह के कार्यों में लिप्त होते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, उन लोगों से दूरी बना के रखें क्योंकि वो कई बार कुछ गलतियां करेंगे और भुगतना हमें पड़ेगा क्योंकि हम भी उनके साथ में सर्वाइव कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से लेकर हमें भी अवेयर रहना चाहिए ताकि बहुत सब पॉजिटिव है। और चौथे, वो लोग जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता। दोस्तों, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता वो लोग बेशक उनके साथ कभी भी जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा जो है वो उनसे दूर रहती है। महिलाओं का सम्मान करें और जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते ऐसे लोगों से भी आप दूर रहें क्योंकि ये भी आपको तकलीफ़ों में आने वाले समय में डाल सकते हैं। ये वो चार लोग हैं जिनके बारे में आज हमने बात की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी आपकी राय हो खुलकर लिखें। जय श्री महाकाल।